बचपन में आपने कई बार किसी विषय पर ऐसी किताबें देखी होंगी जिसमें लिखा होता था, क्या आप जानते हैं? आज इसी आधार पर हम आपको अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी दिलचस्प जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद अब तक संसद में सरकारों के खिलाफ कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद अब तक अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर केवल एक सरकार मुरारजी देसाई की ही गिरी? क्या आप जानते हैं कि 1952 में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 30 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब कम से कम 50 सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि पहला अविश्वास प्रस्ताव चीन युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के ही नेता आचार्य जे बी कृपलानी लेकर आए थे? क्या आप जानते हैं कि 1964 से 1975 के बीच सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिनमें 3 लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ थे, जबकि 12 इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ? क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले नेता का नाम ज्योतिर्मय बसु है, जो 4 अविश्वास प्रस्ताव लगातार इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाए थे? क्या आप जानते हैं कि जिस नेता के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एक बार सरकार गिरी है, उनका नाम वाई बी चव्हाण, जो 1979 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे? प्रधानमंत्री मोदी को पहले अविश्वास प्रस्ताव का क्यों सामना करना पड़ा था, इसके बारे में आगे बताएंगे। उससे पहले याद कराते हैं 2018 का वो भाषण जब पीएम ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए विपक्ष का जवाब चुन चुन कर दिया था। अहंकारी है जो कहता है कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है कहीं बिखर न जाए, इसकी चिंता पड़ी। एक मोदी को हटाने के लिए जिसके साथ कभी देखने का संबंध नहीं, मिलने का संबंध नहीं, ऐसी धनियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम्, यानी चातक पक्षी के मुंह में बारिश की बूंद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोष। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके? कोई गरीब मां का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ गांव से आया, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आग डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था? आंखों की हरकतों ने कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। आपका विषय आएगा, बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और वो तो डूबे हैं, लेकिन उनके जाने जाने साथ जाने वाले भी, हम तो डूबे सर, तुम भी डूबोगे, इनका भी यही हाल होने वाला है।